बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुगर एंड स्पाइस इन लाइफ मेरे चैनल में सब देखने वालों को बहुत खुश आमदीद, और सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, जो कि पाकिस्तान में था और अब तो खैर गुजर चुका है, लेकिन मैंने सोचा अच्छे से केक की रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ। अगर आप चाहें तो किसी और बर्थडे वगैरह में बना सकते हैं, और बहुत ही मज़े का बना था ये। और बादाम वाला केक मैं आपको सिखाऊंगी आज, जो कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बहुत ही मज़े का बनता है, पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो गोरमे में बहुत आराम से मिल जाता है, तो चाहे पाकिस्तान वाले ट्राई ना करें, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ हैंड क्रीम शेयर करूँगी, जो कि बहुत उससे हाथ बहुत अच्छे रहते हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करती। मैंने ईद में एक दो घंटे के लिए नेल पॉलिश लगाई थी, और जो कि बहुत अच्छा कलर है। अगर आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरह कलर। इसके अलावा क्रीम्स का आप स्क्रीन शॉट ले लें, ज़रूर ये क्रीम लगाएं, बहुत अच्छे से देखें जैसे आपको नज़ारे, बहुत सॉफ्ट से हाथ हो जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में खुद काम करना पड़ता है, घर का बर्तन धोना और सब बाकी घर के काम, तो हाथ बहुत रफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप ये क्रीम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे सॉफ्ट इंशाल्लाह आपके भी हाथ रहेंगे, तो आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि मुझे बुखार और खांसी वगैरह बहुत थी और अभी भी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, तो अगर आप लोग चाहें ट्राई कर सकते हैं। मैंने यखनी सिंपल बनाई है और मैंने इसको इंस्टेंट पॉट में बनाया था, बहुत जल्दी बन गई, और वही जो हम यखनी में चीज़ें ऐड करते हैं। बस मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐड की है कि आप इसके अंदर जो कलौंजी होती है वो मैंने ऐड की है, आपको पता है उसके अंदर बहुत शिफा होती है, तो ज़रूर ट्राई करें। और जिस तरह पुलाव के लिए हम यखनी रेडी करते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह रेडी की है, और बहुत जल्दी हमारी क्विक बन जाती है इंस्टेंट पॉट में चीज़ें, किचन बिल्कुल गर्म नहीं होता, तो ज़रूर आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर कलौंजी ऐड की है, और जब मैंने इसको थोड़ी देर पकाया था 10-15 मिनट, तो बहुत अच्छी यखनी रेडी हो गई थी। और फिर सब घर वालों को ही तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सबको दी है, बहुत इससे जो खांसी और बलगम ये चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। पहले ज़माने में तो बहुत पीते थे, लेकिन मुझे अब याद पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है जो लास्ट टाइम मेरा बेबी हुआ था, जब मैंने जो 40 डेज़ करते हैं केयर अपनी, वो जब मतलब उस वक्त पी थी, अब मैंने बहुत ही सालों बाद पी है ये। तो हमें औरतों को, खासकर मदर्स को मेरा मैसेज है मदर्स डे वाले दिन, कि अपना ख्याल रखें यखनी वगैरह, और अपने हाथों का ख्याल रखें, अपने फेस पूरी बॉडी का, तो ताकि आप ज़्यादा देर तक यंग रहें और फ्रेश भी माशाल्लाह रहें। तो बस देखें हमारी यखनी रेडी हो गई है, और इसके अंदर नमक अगर आप लोग चाहें अपने टेस्ट मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और ये मैंने बेबी के लिए बनाया है। इसमें देखें आप यखनी ऐड करें, एक डब रोटी का पीस मैंने ऐड किया है और चिकन की बोटी, और इसको मैंने फिर अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, तो एक बहुत अच्छा सा देखें बच्चों के खाने का बन गया ये। और इसके साथ ही मैं केक की रेसिपी की तरफ आऊँगी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा केक बनता है। एक मतलब आप ट्राई करें, बहुत आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह रेसिपी, और बहुत ही आसान और जल्द बनने वाला केक है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो बस इसके लिए आप चीज़ें नोट कर लें। देखें सब चीज़ आपके सामने एक लिस्ट नज़र आ रही है, उसके मुताबिक मैंने सब चीज़ें ली हैं, आप लोग भी इसी तरह सेम चीज़ें ले सकते हैं। बस मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह मैंने बनाया था। देखिए मक्खन जो है, मैंने इसको आप बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए ही अगर रूम टेम्परेचर पे लाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जल्दी में बना रहे हैं तो फिर माइक्रोवेव कर लें, लेकिन फ्यू सेकंड्स, जस्ट गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा सॉफ्ट हो तो फिर आप यूज़ कर लें। अगर गर्म गर्म करेंगे तो फिर केक हमारा फूलता नहीं, इसलिए गर्म नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करें। इसके बाद जो चीज़ें लिस्ट नज़र आई थी आपको, उसके मैंने सब चीज़ें ली हुई हैं, और जिसमें आपको बादाम नज़र आ रहे हैं, अंडे नज़र आ रहे हैं, और चीनी मेरे पास बारीक वाली है, इस वजह से मैंने पीसी नहीं, तो अगर आपके पास बहुत मोटी चीनी है तो उस फिर आप उसको पीस लें। इसके अलावा मैं देखें बादाम का पाउडर कर लूँगी, जो कि 1.5 कप है, और किसी को अगर बहुत ज़्यादा बादाम पसंद नहीं है तो फिर वो 1.5 कप की जगह 1 कप ले सकता है बादाम, और फिर 1.5 कप मैदा है तो उसको 2 कप कर सकता है, बस ये रेशो रखनी है आपने। इसके बाद देखिए मैं सारे बादाम पीस लूँगी, टोटल बादाम और मैदा जो है वो 3 कप होना चाहिए। तो फिर अगर आपको मैं दोबारा बताऊँगी, अगर बहुत बादाम पसंद नहीं है तो अगर 1 कप बादाम लेना चाहें तो 2 कप मैदा कर दें। फिर अब सिंपल मैं डिज़ाइन इसके अंदर रखूँगी, मक्खन लगाए मैंने जिसके अंदर मैं बेक करूँगी, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उसके मुताबिक आप बादाम उसके अंदर सेट करें, और फिर उसको आप जो पाउडर मैंने करा था बादाम वो ऐड कर दूंगी, और फिर इसको आप फ्रीज़र में रख दें कुछ मिनट के लिए, ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए। उसके बाद फिर जो भी आप तैयार करेंगी केक का बैटर, वो फिर इसके अंदर आराम से ऐड कर सकते हैं। अब हम केक की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए मुझे, और मैं आपको बताना भूल गई, घी भी आपने यूज़ करना है, आधा कप घी, देसी घी का मैंने इस्तेमाल किया है, तो लिस्ट में मैंने लिखी है सब चीज़ें, उसमें आप देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए मैं चीनी ऐड कर दूंगी, मक्खन ऐड कर दूंगी और घी ऐड कर दूंगी। मक्खन आधा कप है, चीनी जो है वो 1.5 कप है। इसके बाद एक एक करके अंडा ऐड करते रहें, उसको अच्छी तरह एक बीटर से इसको अच्छी तरह बीट कर लें आप। और कुछ मिनट में ही हमारा बहुत अच्छा सा बैटर रेडी हो जाता है। और फिर जब बैटर रेडी हो जाएगा, उसको एक तरफ रख देंगे हम, और फिर एक और बाउल लेंगे और जो हमारी खुश चीज़ें थी जिसमें मैदा है 1.5 कप, और इसके अलावा हमारे बादाम का पाउडर है, बहुत पाउडर बिल्कुल फाइन नहीं करना, देखें इस तरह का है बस, ये भी 1.5 कप है। और बेकिंग पाउडर मैंने 3 टीस्पून ऐड किया है, देखिए 3 टीस्पून आपने ऐड करना है। और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, छानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर 1 टेबल स्पून ऐड करते करते आप जो हमने पहले वाला ये वाला तैयार किया था इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर आपने बिल्कुल इसके अंदर कोई स्पून यूज़ नहीं करना, हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और फिर जो हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था अपना सांचा जिसमें हम केक बेक करेंगे, वो मैं निकाल लिया है, और मैं उसके अंदर फिर देखें इस तरह स्पून से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें। और फिर केक का सारा मिक्सचर ऐड करते रहें, साथ साथ टैप टैप करते रहें हल्का का, ताकि सारी इसके अंदर से बबल इसके अंदर ना आए और एयर ना आए, और पूरा इक्वल हर तरफ से अच्छा सा ये हमारा बेक हो जाए केक। इसके बाद आपने इसके नीचे या तो कोई केक का जो आप जिसमें हम केक खाते हैं, मतलब जो उसकी जो नीचे बेस होती है वो लगा दें, या फिर एल्युमिनियम फॉइल में लगाएं ताकि हमारे जो बादाम है वो काले ना हो। और फिर इसको 150 पे आप 50 से 60 मिनट के दरमियान इसको अच्छा सा बेक कर लें। और माशाल्लाह देखें बहुत अच्छा हमारा केक रेडी हो गया है। अब आप इसके आपके अपने ऊपर जिस तरह आप इसको डेकोरेट करना चाहें। थोड़ी सी चेरीज रखी हुई थी मैंने फ्रीज़र में, ग्रीन और रेड, तो मैंने थोड़ी सी उसमें से रेड ली हैं और अच्छा सा उसको एक डिज़ाइन दे दिया। इसके अलावा देखें मैंने जैम में थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा देर पकाया उसको, और हल्का सा मैं ऐड कर दूँगी ताकि एक हल्की सी इसके ऊपर चमक सी आ जाए बस। ज़रूरी नहीं है करें आप, अगर लेकिन अगर करना चाहें तो मैंने आपको दिखाया करके कि अगर कोई किसी गेस्ट वगैरह के लिए बनाते हैं तो ज़रूर करें, ताकि बहुत अच्छा सा इसके ऊपर एक शाइनिंग सी आ जाए। इसके बाद देखें बच्चे खड़े हुए इंतज़ार में कि केक कट हो और वो माशाल्लाह खाएं। तो बस देखें मैं आपको दिखाई थी केक बहुत मज़े का बना था, जो कि मैंने मदर्स डे में बनाया था। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें। वैसे तो सऊदी अरब में मदर्स डे बन चुका है, लेकिन बस मैंने ऐसे ही बना लिया टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है जब इंसान बोर होता है तो स्ट्रेस हो, इन चीज़ों से बेहतर है कि वो अपने आप को बिज़ी कर ले। ख़ास तौर पर बेकिंग बहुत अच्छी, इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर बेकिंग करना स्टार्ट करें, बहुत आपको मज़ा आएगा बेकिंग करने में। और देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट सा केक है, बिल्कुल छुरी आराम से अंदर चली गई, और देखने में जिस तरह केक अच्छा लग रहा है आपको, ये खाने में बहुत मज़े का था। अभी मैं आपको एक पीस कट करके दिखाऊंगी। देखिए मैंने सारे पीसेस कर लिए इसके, और आराम से काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहता है केक ये। ज़रूर ट्राई करें आप, और अगर कोई चाहे बहुत उसको येलो येलो पसंद है तो फिर थोड़ा सा वो इसके अंदर जो जर्दी का कलर होता है वो भी ऐड कर सकता है। मैं तो घर में सिंपल बना रही थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं किया या फिर बहुत कलर, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार केक मिल था, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का केक अच्छा लगा होगा। और जो मैंने हैंड क्रीम आपको बताई वो भी ज़रूर ट्राई करें आप, और इसके अलावा एक दो और क्रीम है वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मैंने नेक्स्ट डे आज यानी ये ट्राई किया था, क्योंकि जिस दिन मैं बनाती हूँ बेकिंग वो उस दिन तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, दिल नहीं चाहता खाने का, नेक्स्ट डे फिर लगता है कि कोई नई चीज़ है तो फिर मैं खाना ट्राई करती हूँ। तो बस इसके साथ ही सबका देखने का बहुत शुक्रिया, ज़रूर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और इसके साथ ही सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।